सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? कैसी पढ़ाई वगैरह चल रही है आपकी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। आप सब लोग एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे अपने अच्छे परसेंट लाने के लिए। तो उतनी मेहनत मैं भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसी वजह से आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने क्लास 10 साइंस का पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये पूरा चैप्टर मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया है, बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं समझाया। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर पूरा एंड तक देखिए, जिससे एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। और जल्दी से जल्दी आप ऐसे पढ़ते रहो और आपको जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाए, जिससे रिवाइज़ करने का आपको टाइम ज़्यादा मिले। यदि आपको इतनी बड़ी वीडियो देखने में आलस आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस वीडियो को अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड किया है। तो आप यदि आपको अलग अलग पार्ट्स देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, उसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के नाम से चैप्टर है, उसमें मैंने पूरी 5 वीडियोस बनाई हैं, तो अलग अलग उसको देख लीजिए अगर इसमें आपको देखने में आलस आता हो तो। ओके, तो आप कैसे भी देख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ ऋषि गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टडी गर। अपने माइंड से हटा दीजिए साइंस का फियर। कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन को समझते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। स्लो रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा समय ले लेती हैं। स्लो रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो कंप्लीट होने के लिए ज़्यादा समय ले लेती हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इन केमिकल रिएक्शंस की वैल्यू बहुत कम होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। इन रिएक्शंस की वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉलर वैल्यू होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। इसका हमने एक एग्जांपल लिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें जो 4 Fe है वो है आयरन, 3 O2 ऑक्सीजन है, एक्स इंटू एच टू ओ, इसमें एक्स है मॉइस्चर और एच टू ओ तो आप सब जानते हैं वाटर होता है। अब जब ये सब रिएक्ट करेंगे तो जब बनाएंगे 2 Fe2O3 इंटू एक्स एच टू ओ। अब इसका हम एक और मन से एग्जांपल यदि रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, जैसे कि आप बिल्कुल ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें शुगर घोलिए, हिलाते रहिए जब तक घोल नहीं आती, और उसमें देखिए कितना देर में घोलेगी ठंडे पानी में, जबकि गर्म पानी में बहुत जल्दी घुल जाएगी। ये होती है स्लो रिएक्शन। अब पढ़ते हैं फास्ट रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कम टाइम लेती हैं, ये स्लो रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, वो ज़्यादा टाइम ले रही थी, ये कम टाइम लेती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ये इन केमिकल रिएक्शंस की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, ज़्यादा होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। इन केमिकल रिएक्शन की वैल्यू बहुत लार्जर होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए। इसका भी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय एसिड एंड बेस। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है ये समझिए, क्योंकि इसमें जो NaOH है वो है एक बेस है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ये सॉल्ट और वाटर बनाएंगे, NaCl प्लस H2O, NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉल्ट और H2O होता है वाटर। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस प्रकार हुई कि जब NaOH और HCl जब मिलेंगे तो NaCl बनाएंगे, जिस पे Na पे पॉजिटिव आयन होता है और Cl पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं वो। ऐसी H2O को यदि हम तोड़ेंगे तो वो बनाएगा HOH। सोच के देखिए, HOH बनाएगा तो उसमें से H का आयन होता है पॉजिटिव, OH का होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये होती है फास्ट रिएक्शन। अब समझते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए होता है वो होता है, हमें ये नहीं पता थी होता क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब वो हम समझ लेते हैं। ये इजी सा टॉपिक है, इसे बस आप ये इस फॉर्मूले के थ्रू लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले पे पूरी डेफिनेशन बेस है। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हमने लिखा है
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड और रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में कितना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे, और कितने टाइम में हो रहा है वो नीचे लिखेंगे। ये होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके कुछ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो इस पर अफेक्ट डालते हैं। किस पे? रेट ऑफ रिएक्शन पे। सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। अगला है टेम्परेचर। नॉर्मली एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। सामान्यतः हाई टेम्परेचर मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन हाई होती है, ज़्यादा होती है। थर्ड है प्रेशर। विथ इंक्रीज इन प्रेशर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज व्हेन ऑल द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन गैसियस स्टेट। मतलब जब प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यदि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो तभी ये काम करेगा, तभी प्रेशर इस पर अफेक्ट डाल सकता है। यदि गैसियस स्टेट में नहीं हो प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो ये अफेक्ट नहीं डाल सकता। फोर्थ पॉइंट है सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। यदि हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फिफ्थ एंड लास्ट है एक्सपोजर टू रेडिएशन। सर्टेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हम तो ये जानते ही हैं कि ज़्यादातर रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में टेक पार्ट करती हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ये थे सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट डालते हैं किस पे? रेट ऑफ केमिकल। तो गाइस आज की वीडियो, जो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती मतलब निकल जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इन रिएक्शंस में एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होती है। थर्ड पॉइंट में हमने एक एग्जांपल लिया है C+O2। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CO2। इधर हीट जो है रिलीज होगी तो इधर एरो बना लीजिए आप इधर। अब जो इसमें C जो है वो है कार्बन, वो ऑक्सीजन है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एक गैस है। ये थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इन रिएक्शंस में एनर्जी कंटेंट रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से कम होता है, और उन रिएक्शंस में एनर्जी कंटेंट प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से कम होता था। थर्ड पॉइंट में हमने एक एग्जाम्पल लिया है N2+O2 2NO। अब N2 क्या है इसमें? N2 है नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, और 2NO ये बन रही है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इसलिए ये एब्जॉर्ब का साइन होता है ये माइनस है ऐसा। ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसे समझते हैं, ध्यान से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। मतलब वो केमिकल रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, मतलब जो केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में टेक पार्ट करती हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इन दीज रिएक्शंस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। इन रिएक्शंस में लाइट एनर्जी मतलब कि हीट एब्जॉर्ब होती है। थर्ड पॉइंट हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे
जब ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर भी इसे एक बार पढ़ के देख लेते हैं। द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। देखा वही बात है। अब इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं। 6CO2 + 6H2O। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे C6H12O6 प्लस O2 जो रिलीज हो जाएगी। अब इसमें CO2 क्या है? इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O वाटर है, C6H12O6 जी है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनेगा तभी फूड बनेगा। और O2, इसमें O2 है ऑक्सीजन गैस जो कि रिलीज हो जाती है पूरी रिएक्शन के बाद। ये थी फोटोकेमिकल रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। ना फोटोकेमिकल रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल फोटोग्राफी। फोटोग्राफी इज ऑल्सो फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोग्राफी भी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब वो कैसे वो समझिए। सिल्वर ब्रोमाइड इज कोटेड ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। अब फोटोग्राफिक फिल्म तो आप सबने देखी भी होगी, जो पुराने ज़माने में कैमरे में वो लंबी लंबी सी जो डलती थी वही फोटोग्राफिक फिल्म होती हैं। उस पर सिल्वर ब्रोमाइड कोटेड होता है, देखा होगा आप सबने। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। 2AgBr जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 2Ag+Br2। अब इसमें AgBr क्या है? इसमें AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड। Ag होता है सिल्वर, Br होता है ब्रोमाइड, लेकिन ब्रोमाइन होता है। लेकिन जब ये एक साथ मिलते हैं तो ये बनाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और जब ये डिसोसिएट हो रहा है तो जो हो रहा है Ag मतलब सिल्वर और Br2 मतलब ब्रोमाइन गैस में। ये थी पूरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन, चलिए इसे समझते हैं। केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन अंडर द सिमिलर कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में टेक पार्ट करती हैं, दोनों डायरेक्शन में अपनी जगह बनाती हैं उन्हें। और वो भी किस कंडीशन में? सिमिलर कंडीशन में, सेम कंडीशन में दोनों डायरेक्शन में अपनी जगह बनाती हैं, वो होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपको ऐसे समझ नहीं आया होगा, और यदि आ गया हो तो और अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो अब हम समझते हैं तरीके से ज़रा। इसका सेकंड पॉइंट है इन सच रिएक्शन रिएक्टेंट आर नॉट कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आप सब जानते होंगे। थर्ड पॉइंट है इट इज डिनोटेड बाय 2 एरोस। एक जो ऊपर वाला एरो और जो नीचे वाला एरो जो रिप्रेजेंट किया था इन दोनों एरो से जो वाली रिएक्शन। अपर हाफ एरो शोज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दी लोअर हाफ एरो शोज द बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब ये जो डिनोट किया जाता है इन दोनों एरो से, उसमें से जो अपर वाला हाफ एरो है ऊपर वाला जो आगे की डायरेक्शन दिखा रहा है वो शो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो नीचे वाला एरो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। फोर्थ है द रिएक्शन नेवर गेट्स कम्प्लीटेड। ये रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीट नहीं होगी ये। आप सोचें कंप्लीट हो रही है कि ये कभी भी कंप्लीट नहीं होती ये वाली। फिफ्थ है फॉर एग्जांपल N2+3H2 2NH3। अब इसमें हमने एग्जांपल में लिया है N2 मतलब नाइट्रोजन गैस जो कि ये जी लिखा है जो गैसियस फॉर्म में, +3H2 हाइड्रोजन गैस प्लस की इसमें मतलब मिक्स की है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2NH3 मतलब अमोनिया। इसका मतलब जो हुआ हमने जब 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन लिया तब जो बना रही है अमोनिया। अमोनिया भी एक गैस होती है। अब जो एरो इसलिए बना है क्योंकि यदि अमोनिया डिसोसिएट होगा तो फिर से जी ये गैस बना देगा N2 और 3H2 इसलिए। अब आपको मैं एक तरीके से एग्जांपल समझाता हूँ रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब आप सबके घर में पानी का टैंक हो गई, ठीक है, और पानी बनने वाला पाइप भी होगा। अब आप ये थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, यदि मैं एक पाइप का एक हिस्सा नल में फिट करता हूँ और नल चालू करता हूँ और ऐसे छोड़ देता हूँ पाइप को, तो पानी कम होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। लेकिन हाँ, यदि दूसरा हिस्सा मैं पाइप का टैंक में डाल देता हूँ और टैंक में बढ़ता जाता है पानी, और फिर वही दूसरा और अगला पहला वाला हिस्सा अपन नल में फिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी कभी कम नहीं होगा, ये ऊपर नीचे आते ही रहेगा। नल में आएगा फिर उसमें जाएगा, फिर नल में आएगा फिर इसमें जाएगा, इस तरीके से जो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन।
नेक्स्ट इज रिवर्सिबल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब वो केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी जगह बनाती हैं, उन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इन सच रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट पूरी कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। थर्ड है, इट इज नोटेड बाय दी सिंगल एरो। वो डबल एरो से नोट कर रहे थे जो सिंगल एरो से, बस जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है इसमें। फोर्थ है, द रिएक्शन गेट कम्प्लीटेड एंड स्टॉप फाइनली। जो रिएक्शन कम्प्लीट हो जाती है और फाइनली स्टॉप हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में हमने एक एग्जाम्पल लिया इसमें भी, 2Mg + O2 2MgO। अब इसमें Mg और O2, 2Mg मतलब जब हमने 2 वॉल्यूम ऑफ मैग्नीशियम लिया और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया, तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें सिंगल एरो इसलिए लगा क्योंकि यदि 2MgO डिसोसिएट होगा तो ये 2Mg + O2 कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल होती है तो फिर बात होती कि हाँ चलो चलता है। ये थी इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हद से ज़्यादा पूछा जाता है यार, हद से ज़्यादा। ध्यान से समझिएगा और इसे लर्न कर लो अच्छी तरीके से, तो मतलब घोल के पिया आंसर को। तो चलिए समझते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन की एक पार्ट है। स्टेट का मतलब होता है पार्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन सेम होता है हमेशा। क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन सेम होता है, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये थी केमिकल इक्विलिब्रियम की सिंपल सी डेफिनेशन, लेकिन ये आंसर सिर्फ इतना सा नहीं आता, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और वैसे भी इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी कंडक्टेड इन क्लोज्ड कंटेनर ओनली। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर मतलब बंद कंटेनर में ही होती है। कंटेन का मतलब होता होना, कंडक्ट मतलब होता होना। केमिकल इक्विलिब्रियम जो प्रोसेस है वो सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में होती है, खुले हुए कंटेनर में बिल्कुल नहीं होगी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है, मतलब रेट मतलब जितने टाइम में वो फॉरवर्ड रिएक्शन निपट रहा है उतने के टाइम में बैकवर्ड रिएक्शन निपटेगा, जो होती है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें ये इक्वल रहता है हमेशा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन हमेशा कॉन्स्टेंट मतलब सेम रहता है। ऊपर वाले में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन था जो कि इक्वल था, इसमें कंसनट्रेशन है वही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, इसमें हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है कंसनट्रेशन। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब होता है जो चलती रहे नॉन स्टॉप, मूवेबल। डायनामिक का मतलब होता है मूवेबल, सटीक मतलब होता है इसका मूवेबल, जो चलती रहे कभी भी नहीं रोके पूरे कभी भी। जैसे कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में वो वाला एग्जांपल लिया था, नल और टंकी वाला लिया था, नल और टैंक वाला, वही एग्जांपल हम इसमें पुट करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्योंकि ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है, इसलिए हम इसमें पुट करेंगे। तो आप खुद ही सोच के देखिए भाई, नल में जब पानी निकलेगा नल से और टैंक में जाएगा, फिर टैंक से फिर नल में आएगा, फिर नल से टैंक में जाएगा, तो बात क्या पड़ेगी, वही तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। तो ये डायनामिक होती है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दैट कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम बट इट अटेन्स द केमिकल इक्विलिब्रियम एट अर्लीस्ट। जो कैटलिस्ट होती है वो इक्विलिब्रियम को कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। मतलब कैटलिस्ट का मतलब तो समझते होंगे, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है, प्रोसेस तेज तेज है, नहीं प्रोसेस अपने मीडियम स्पीड पर, हमने उसमें कैटलिस्ट डाल दी तो उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, लेकिन वो और कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी कि
रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल बन जाए ऐसा नहीं। कैटलिस्ट इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डालती, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को अर्लीस्ट मतलब तेज कर देती है। ये था पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसके साथ में कैरेक्टरिस्टिक भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसे तरीके से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कम्प्लीटेड आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होती हैं वो एक्वियस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइज होती हैं, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर में, वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं, मतलब अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाती हैं अलग अलग आयंस में। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑन डायल्यूटिंग दीज इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नेग्लिजिबल चेंजेस इन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब जब जो इलेक्ट्रोलाइट को हम डायल्यूट करते हैं, किसी में भी डायल्यूट करते हैं, तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में थोड़ा बहुत चेंज आता है। किसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब तो आप जानते होंगे, जब कोई भी केमिकल डिसोसिएट होता है तो उसे डिसोसिएशन कहते हैं। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही वही होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में थोड़ा सा चेंज आता है यदि इन इलेक्ट्रोलाइट को हम डाइल्यूट करते हैं किसी में। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट फॉर एग्जाम्पल, हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है HCl H2SO4 एक्सेट्रा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, एक्सेट्रा। हम और कुछ भी लिख सकते हैं। ये थी पूरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं पार्शियली मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते एक्वियस सॉल्यूशन, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली आयोनाइज होते थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब ये थोड़े से ही आयोनाइज हो जाते हैं, पूरे पूरे आयंस में डिवाइड नहीं होते, कुछ कुछ आयंस में डिवाइड होते हैं एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर में। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑन डायल्यूटिंग दीज इलेक्ट्रोलाइट देयर इज चेंज इन देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डायल्यूट करते हैं तो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बहुत सारा चेंज आ जाता है, उनकी में थोड़ा सा चेंज आया था नेग्लिजिबल, इनके में तो भाई बहुत सारा आ रहा, बहुत सारा चेंज। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर हमने इसमें भी एग्जांपल लिया है CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2O जो वाटर होता है एक्सेट्रा। ये था आज का पूरा टॉपिक, और आप एक बार रिविजन कर लीजिए शुरू से। का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब उसमें से हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं, मतलब कि उस चैप्टर का आधा, उस चैप्टर के नाम का आधा हिस्सा तो हम ख़त्म कर चुके हैं। तो भाई अब बचा क्या, पूरा नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, लेकिन अब बचा क्या, केमिकल इक्वेशन। तो यार आप पढ़ लेते हैं केमिकल इक्वेशन और इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी जो पूछ लेता है। तो चलिए पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब जब केमिकल रिएक्शन किसी सिंबल या एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, समझ रहे हो ना, जब केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड के एलिमेंट के सिंबल या फॉर्मूले के थ्रू केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसे मतलब इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। किस रिप्रेजेंटेशन को, जब केमिकल रिएक्शन सिंबल और फॉर्मूले किसके एलिमेंट्स और कंपाउंड से सिंबल और फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 जब ये जुड़ेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस H2। अब Zn इसमें जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो किंग ऑफ एसिड होता है, उसके जब जो रिएक्ट करा तो ZnSO4 बनाया, जिंक सल्फेट साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है, H2 है इसलिए ये हाइड्रोजन गैस है। अब चलो ये तो छोटी सी रिएक्शन थी, कहती छोटी सी रिएक्शन थी। अब जैसे अपने सामने कोई बड़ी सी रिएक्शन दे दे और उससे कह दे कि बैलेंस करके दिखाओ इसे, अब हमें बैलेंस करना तो आता नहीं है, तो बैलेंस करना भी सीखना पड़ेगा ना। जैसे कि अब कुछ भी दे सकते हैं उल्टा सीधा, जैसे उनने दे दी Mg+O2 और रिएक्ट करके लिख दिया ने Mg, Mg लिख दिया,
अब वो कहेंगे यार इसे बैलेंस करो, अब तुम कैसे करोगे, उसमें वो गायब है तू गायब, ऐसा ऐसा। तो भाई अब अपन को समझना पड़ेगा कि इसको बैलेंस कैसे की जाती है केमिकल। तो अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। व्हेन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल, फॉर दिस पर्पस मल्टीप्लीकेशन बाय द सूटेबल नंबर अप्लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। मतलब जब किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होते हैं, क्या होने चाहिए बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होने चाहिए इक्वल। इस पर्पस के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसी सूटेबल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए वहाँ पे। जैसे कि अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कैसे, किसी सूटेबल नंबर के थ्रू हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए और दोनों साइड उसे रखना चाहिए केमिकल रिएक्शन के, इसे ही बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इस पर्पस के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है किसी सूटेबल नंबर का, और उस सूटेबल नंबर को दोनों साइड रखना होता है केमिकल रिएक्शन में, इसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अब इससे अपन को हाल समझ में आ जाएगा कि क्या पार्ट आए थे। अभी हम एग्जाम्पल में हमने लिया सी प्लस सी ओ टू, मतलब कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब ये दोनों रिएक्ट कर रही हैं ये बना रही हैं सी ओ, लेकिन नहीं भाई सी ओ नहीं बनाएंगे जी क्योंकि अनबैलेंस है, इस वजह से इनने सी ओ लिखा है। इसी प्रकार अब एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं कि ऐसी ये लिख दें कोई सी भी रिएक्शन, उससे साइड में लिख दें अनबैलेंस एंड बैलेंस दिस इक्वेशन, तो ऐसे आपसे बोलेंगे तो आपको बैलेंस करना होगा उससे। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमने बैलेंस करके बताया है तो इसे समझते हैं। सी प्लस सी ओ टू मतलब कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर रही हैं तो जिस सी ओ नहीं बना रही, जिस साथ में टू सी ओ बना रही हैं, टू इसलिए लगाया बैलेंस करने के लिए। अब इस इक्वेशन को समझिए, ये बैलेंस कैसे हुई, इधर एक सी है मतलब लेफ्ट हैंड साइड एक सी और सी ओ टू के साथ एक सी, दो सी जहाँ पे हो गए, और ओ पे कितना वो लगा टू, तो ओ भी कितने हो गए टू, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड में टू सी ओ, अब यदि सी ओ लिख देते तो ये तो दोनों टू टू हैं तो ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती। अब हमने टू इसलिए लगा दिया बैलेंस करने के लिए, अब टू जो है इसका मल्टीप्लाई कर दिया, टू का सी में ही मल्टीप्लाई हो गया, टू का ओ में ही मल्टीप्लाई हो गया, तो सी भी टू हो गया इससे और ओ भी टू हो गया, जी हो गई अपनी बैलेंस इक्वेशन। अब हमारे सामने आ रहा है एक ऐसा टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है, ऑक्सीडेशन। इसे समझते हैं, इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व इज नोन एज ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन एटम को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, किसको, ऑक्सीजन एटम को। ऑक्सीडेशन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ऑक्सीजन एटम को ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2Mg+O2 मतलब, और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे मतलब अभी हम समझेंगे, जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनाएंगे 2MgO, और ध्यान से देख लो ये बैलेंस है ऑलरेडी, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंस करने की, ये तो खैर ऑक्सीडेशन है इस वजह से हम आप लोगों को ही करनी पड़ेगी बैलेंस। नेक्स्ट लाइन में अब इसको हम समझते हैं क्या क्या था, ये मैग्नीशियम 2Mg था, O2 था ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो ये बनाए ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से जो होता ऑक्सीडेशन। अब समझते हैं हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थोड़ी अपोजिट चीज़ है इसलिए इसे भी ध्यान से समझिएगा। इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन्वॉल्व इज नोन एज रिडक्शन। मतलब रिडक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एटम को ऐड किया जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन एटम को ऐड करते थे, और रिडक्शन में हाइड्रोजन एटम को ऐड किया जाता है, और करके लिखा, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि रिडक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन एटम को रिमूव किया जाता है, उसे रिडक्शन कहते हैं।
अब इसका भी हम एग्जाम्पल समझ, ये है इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल MgCl2, जब ये डिसोसिएट होगा मतलब हीट देंगे जब हम इसे, तो ये बनाएगा Mg+Cl2। अब ये सब था क्या, ये समझते हैं। MgCl2 था मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। जब ये डिसोसिएट हुआ मतलब इसको जब हमने हीट दी, तो ये डिसोसिएट हुआ मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन में। क्लोरीन CL2 इसलिए लिखा है जो क्लोरीन गैस है, इसलिए।